एक आलू, इसे काट लेंगे। एक प्याज, इतना बारीक काट लिया मैंने प्याज को। टमाटर, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तीन सब्ज मिर्च, आलू को धो लेंगे। इसे एक दो बार धो लेना। अब इसे पकाना शुरू करते हैं। चूल्हे को ऑन कर लेंगे। आलू डाल लेंगे। प्याज, छोटी चमची नमक, छोटी चमची सुर्ख लाल मिर्च, आधी चमची हल्दी पाउडर, आधी चमची काली मिर्च, आधी चमची सूखा धनिया, आधी चमची जीरा, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे मैं बिल्कुल ऑयल के बगैर बना रही हूँ, इसमें थोड़ा भी ऑयल नहीं डालना। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आधी प्याली मलाई, दूध की मलाई, मलाई डाल के इसे दो तीन मिनट तक पका लेना, मीडियम आंच पे, फुल आंच पे नहीं पकाना, ताकि हमारे आलू भी गल जाएं और हमारा प्याज भी पक जाए। इसे मैंने दो मिनट तक पका लिया। 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे हल्की आंच पर, ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, जो हमने मलाई डाली थी ना वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, आलू भी हमारे गल चुके हैं। इसका बहुत अच्छा सालन बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे। जो टमाटर का पानी है वो भी डाल लेंगे।
सब्ज मिर्च, तीन अंडे डाल लेंगे, अंडों को मैंने ऐसे ही डालना है ताकि हमारा कोई अंडा खराब ना निकले। पहले हमने कटोरी में डाल ली है, बाद में सालन में डाल लेते। तीनों अंडों को मैंने डाल लिया, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, पांच छह मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उतार लेंगे। माशाल्लाह आलू अंडे का सालन बहुत ही अच्छा बना है। ये ऑयल के बगैर हमारा आलू अंडा बहुत ही अच्छा बना है। इसे नीचे उतार लेंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे। ऑयल के बगैर हमारा सालन बहुत ही अच्छा बना है। माशाल्लाह देखिए, ऑयल के बगैर आलू अंडे का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।